और आप देख सकते हो मतलब कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में बाहर से, बहुत ही प्यारा एकदम महल की तरह। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं दिखाई दे रहा है शादी वाले घर में मैं आ चुका हूँ, और आज तो घर मतलब सजा दिया गया पूरा अच्छी तरह, लाइटनिंग वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से। और आज क्या होने वाला है, आज यहाँ पे गीत गाए जाएंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वो तो बबरू पकाते टाइम गाए गए थे, लेकिन आज शायद ऐसे भी गाए जाएंगे। और साथ ही साथ मेहंदी लगाई जाएगी, और भी एकदम छोटे छोटे काम जो मुझे पता नहीं है, मैं खुद देखूंगा। मतलब लड़कों का काम होता है कि हार्ड वाला काम करना। अभी मैंने इतना अच्छे से नहीं देखा है, मेरी सिस्टर की मैरिज भी हुई थी लेकिन उसमें भी मैंने अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि जिनके घर में मैरिज होती है उनको बहुत काम होता है, उनको टाइम नहीं लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का क्या ही सीन है। एंड गुड मॉर्निंग गाइज, और मैं अभी शादी वाले घर पे आ गया हूँ। तो अभी चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या होता है सिंपल में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो गाइज अभी भैया जी को बटना लग रहा है, हल्दी लग रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सभी परिवार वाले हल्दी लगाते हैं लड़के को। हल्दी रस्म इसलिए की जाती है ताकि लड़का जो है शादी से पहले थोड़ा गोरा हो जाए, क्योंकि दो दिन बाद जब उसकी शादी होती है तो उसके चेहरे पे अच्छा वाला निखार आए। तो ये पुराने जमाने का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मेकअप है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, वो चेहरे पे पता नहीं कितने केमिकल्स लगा के लेपा पोती करके बंदे को एकदम हैंडसम गोरा बना देंगे। लेकिन जो ये हल्दी है ये नेचुरल है, इसीलिए जो पहले नहीं होता था मेकअप वगैरह का सीन तो हल्दी ही लगाते थे। और शादी में बहुत से काम होते हैं, सो एक काम ये भी है, ये मनु कर रहा है, पंखे उठाएगा भी ये और इनको साइड में रखेगा, क्योंकि अभी लड़की वाले आने वाले हैं तो यहाँ पे ये मैट्स और गद्दे बिछाने हैं, यहाँ पे सेटअप करना है तैयार। और मनु जी झाड़ू लगाते हुए, बहुत ही मेहनती बच्चा है ये।
कोई जगह कवर नहीं की, बस सीधा इधर से आ गया इधर को। और इस बच्चे को हम ले जाएंगे अभी, ये बहुत रोता है। चलो 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 चलो, ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ इसको। तो गाइज अभी एक रस्म होने वाली है जिसको बोलते हैं पोणा, हिमाचली भाषा में उसको पोणा बोलते हैं। तो अभी वो होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है वो। चली पे खड़ी है ना, इसी जगह पर मिंज भी दे दिया, हमने मिंज भी दे दिया। और यहाँ पे छोटी सी अभी धाम डलेगी दोपहर की, उसकी तैयारी चली हुई है। तो गाइस अभी जहाँ पे बटलोइयाँ रखी जाएंगी जिसमें खाना बनेगा, खाना बनाने वाले बर्तन, उसके लिए हमें खुली जगह चाहिए होती है और साथ में एक चरी होती है जिसके अंदर लकड़ियाँ डाल के उनके ऊपर रख के, मतलब एक छोटा सा खड्डा सा टाइप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी बटलोइयाँ रखी जाती हैं हिमाचली धाम में, तो कुछ इस तरह का वो बनाया जाता है। फिर इसमें लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाती है। तो जो मैं आपको बता रहा था, ये वो बड़ी बड़ी बटलोइयाँ जो उस चरी में रखी जाएंगी।
लड़की वालों की तरफ से टिक्के वाले आ रहे हैं और यहाँ पे तैयारियाँ चली हैं, गद्दे बिछा दिए हैं, चेयर्स तैयार हैं, बाकी फैंस लग गए हैं, मैट्स बिछ रही है और अभी हम उनको रिसीव करने जा रहे हैं, मैं और आरुष। और इस बंदे का तो पता ही नहीं कहाँ घूम रहा है, घर में शादी चली हुई है और ये पता नहीं अपनी नज़ारे ले रहा है बाहर जाके।